बस यही है, हाल बहुत बेकार है और मुझे ऐसा लगता है वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है भाइयों का भाई सुमित भाई। सुबह के 8 बजे और आज की तारीख है 12/5/2019 और मेरे साथ गौतम अंकल है, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। और कहीं नहीं, कई भी राब बीड़ी बीड़ी, अरे यार बीड़ी बुझा दे, बीड़ी की बुझे। तो ये जो चेहरा देख रहे हो खूबसूरत सा, हम लोग अभी तक नहाए नहीं है इसलिए ऐसा चेहरा, नहाने के बाद चेहरा बहुत ही अलग दिखेगा। कांति भाई जा रहे हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए। ये हमारे गांव की पुरानी संस्कृति है जो एक साथ गांव के सभी लोग एक ही जगह खाना खाते हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। टीम में सही रहो, टीवी पे नहीं यूट्यूब पे जाएगा, आप देखना घर बैठ के। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कांति भाई है जो यहाँ पे मैं भी खेला हूँ, हमारा बचपन पूरा इधर ही गुजरा हुआ है। यहाँ पे मैं भी खेला हूँ, मंदिर है, मंदिर के सामने मैच खेला हूँ, पर अभी वो दिन नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर की लगभग प्रैक्टिस इधर ही हुई है, मैंने करवाई है। हमारे गाँव का इंजन है, इसके अगर ये नहीं हो तो गाँव रुक जाता है। देख रहे हो गौतम अंकल इस गांव में पूरे रहे हुए, मतलब हर साल आते हैं और हर साल हर एक चीज़ का पता है। अपन तो 5-5 साल में एक बार आते हैं तो उनको बहुत कुछ पता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए, वहां पे कुछ देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और कोई मिलता है गौतम अंकल का दोस्त पुराना वगैरह तो और बातचीत होगी। आज भी हमारे गाँव में इस प्रकार के मकान बहुत बने हुए हैं। देखो ऐसे मकान है, गलिया है, गलिया तो पानी की एक बूंद नहीं गिरती है। तो नाश्ता पानी हो गया है और अभी नहाने की तैयारी हो रही है और इसके बाद क्या प्लान है मुझे पता नहीं है, बट ये बता रहा हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ पालघर। जाने का प्लान था मेरा कल का, बट कल डैड का फ़ोन आया, बोलते गिराकी ज़्यादा है, मेरी हैंडल नहीं हो रहा है और मेरे से भी काम यहाँ पे हो नहीं रहा है, मोबाइल पे मोबाइल भी हीट हो रहा है। और यहाँ पे एक दिक्कत है सबसे बड़ी, वो है लाइट। सुबह चली जाती है तो सीधा अगले दिन सुबह आती है या फिर आती ही नहीं है ना भाई, ऐसे ही पूछे ना। ये हमारा गांव का पप्पू फेमस है पूरे एरिया में। और एक पानी की दिक्कत है, पानी और लाइट की दोनों की दिक्कत है, तो राजस्थान में ये प्रॉब्लम होता है। तो बस अभी मैं तैयार हो रहा हूँ नहा धो के, बाद में मिलते हैं, क्या है क्या प्लान नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे गाँव का कुत्ता है, सबसे भारी और डेंजर दिख रहा है। यहाँ पे बुलाने का रिवाज अलग है, तू 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 करके बुलाते हैं। खा ले, नहीं खाए, उपवास है, ले इसका उपवास है, नहीं खा रहा। लाइट ना होने के कारण पानी भी नहीं है, तो अभी डिसाइड ये किया है मैंने, टॉवल और अंडरवेयर लेके आया हूँ यहाँ पे। कहाँ पे मैं अपने घर पे आया हूँ और यहाँ पे मेरे घर पे पानी है, वैसे बहुत भरा हुआ पानी है टाकी के अंदर, पर क्या है कि ये लॉक खोलना पड़ेगा, फिर अंदर का खोलना पड़ेगा, सब दिक्कत है। बट अभी है नहीं उसका इलाज, तो फिर घर खोलना ही पड़ेगा। और बाय द वे मैं बता दूँ कि अनुभव लगाने के बाद, जो लास्ट वाला वीडियो आपने देखा उसमें मैंने बताया था कि घर में ऐसा लग रहा है कि चोरी करने की कोशिश की है, तो ऐसा कुछ है नहीं है शॉर्ट, मतलब चोरी वोरी हुई नहीं है। सर ये गेट तो खुल नहीं रहा है क्योंकि इसकी कड़ी जो है वो जाम हो गई है, काफ़ी साल से खुला नहीं, इसलिए तो अभी तेल लेके आया हूँ, तो देखता हूँ ये ट्राई करके देखता हूँ, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई हम तो अंदर एंट्री नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये गेट खुला है और ये ओहो, रात को बारिश गिरी थी, घर का अंदर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, खाली कलर बाकी है, उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं है। पर क्या है कि हम लोग आते ही नहीं तो वैसे ही काम रुका पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर अंदर एंट्री करे तो ये मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि ये हवे से फट गया है, और ये भी, और हे भगवान रक्षा करो घर की।
और यहाँ पे एक लोचा हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे चीर गिर गया, तो इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा ये पूरा। अरे यार लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। ये देखो लाइट है, सब काम ओके अपना, इधर का सब जगह एक जगह सेट करना है। और ऊपर ऊपर भी जाते हैं, जरा चूहे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जिंदर टेरेस ओके। तो ये है घर अपना। तो ये टाकी है, इसमें से पानी निकालना है, नहा के रेडी होना है, और फिर जाते अपने नानी के गाँव। ये देख रहे हो पानी पूरा भरा हुआ है। इस टाकी की जो हाइट है मेरे ख्याल से 5 से 6 फुट की है, और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। पानी कभी भी भरा हुआ रहता है। आने वाली पूनम में मैं यहाँ पे हूँ नहीं, तो पापा ने बोला कि नारियल चढ़ा के जाए भगवान जी को। नारियल लेने गया, नारियल यहाँ पे 15 रुपये का नारियल है, पानी वाला, और विदाउट पानी वाला 12 रुपये का। तो नारियल मैंने लिया, और नारियल जो मिला है, मतलब महाराष्ट्र में तो पूरा छिला हुआ नारियल मिलता है, यहाँ पे नारियल देख रहे हो हाथ दुखने लग गए। अंकल जी बोले ला मैं मदद करता हूँ, तो वो भी कस के फोड़ रहे। तो मैं बोला भाई कुछ चूरी वगैरह कुछ जो फोड़ने के लिए बोलते कुछ नहीं है, बोला कमाल के लोग हैं यहाँ पे, नारियल दे देते हैं खुद के फोड़ो। ऐसा नारियल दिया है मेरे को यार, वो छोड़ने के लिए अलग से, अभी इतना ताकत है क्या? ये अभी अभी यहाँ का भी सीजन चल रहा है, पूर्वज बासु जो अपने दादा दादी जो गुजर गए हैं, हाँ जो उनको अभी 3-3, 4-4 साल हुए, उनकी विधि विधान नहीं है, उनके लिए यहाँ पे लोग आते हैं, नारियल की जटा वटा करके उनको प्रसन्न करते हैं। देते नहीं है नारियल फोड़ के, अभी देखो इनको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, देखो ये आपके सामने, ये देखो। तो मैं जब उसको बोला कि भाई मेरे को थोड़ा दो ऐसा छिलने के लिए धार वाला, तो बोलते है ही नहीं। ये श्रद्धा का विषय है, सब लोग अपने अपने हिसाब से ये नारियल की जटा करते हैं, इसको बोलते हैं हमारी हमारी भाषा में कि नारियल की जटा करना। ओके ठीक है, तो फिर चढ़ा के आता हूँ। अभी क्या प्लान है आज का? आज का प्लान अभी ये मेरे को ये अभी छोकरा जी बुमबुरी गया खाना है, तो उनका लाभ लेंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद नहीं नगर डगर का टूर करेंगे, आज जाएंगे अभी नगर डगर की टूर, वो अशोक भाई अभी आए, उसके बाद अपन चले जाएंगे। अच्छा है आपका, मैं तो जा रहा हूँ पालघर। हाँ तो अच्छी बात है, पालघर भी अच्छा स्टेशन है, भोलेनाथ के बड़े बहुत फेमस है, भोलेनाथ वाले वो याद कर रहे सूरत वाले, भोलेनाथ का वड़ा पाव वो बहुत फेमस है वहाँ का, फेमस है भाई हमारे यहाँ का फेमस है, बहुत खाए हुए हैं। जो अंकल जी ने नारियल क्या मतलब छिलके दिया, ऐसा ऐसा लगता है कि मशीन से छिला हुआ है, पर ये इनके हाथ का कमाल है, बहुत नारियल छिले के फर्स्ट टाइम बैठा भाई। ये तो ऐसे तो हम लोग छिलते रहते हैं, हमारे तो घोड़ोर में तो ऐसे काम चलता है, ये तो इनका प्रैक्टिस है, वही हिसाब से नारियल दे, अपने से इतना नहीं छिला जाएगा भाई। दोपहर के 12:30 बज गए और प्लान में कुछ चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस ये आया है कि मैं जाने वाला था ढोल पे नानी के घर पे, बट क्या मालूम है क्या, टाइमिंग कम है और बसेस टाइम पे मिलती नहीं है, तो ढोल जाऊंगा, फिर वहां से कितना टाइम जाएगा वहां पे, फिर वहां से बस मिलेगी, जिबड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे जाना है शिरोई, तो 1 घंटे का रास्ता है शिरोई का, तो बस इसके लिए मैं अपने नानी के घर पे नहीं जा रहा हूँ। इच्छा है मिलने की नानी को और विपुल भाई को, वहाँ पर विपुल भाई तो वैसे ही मिल लिए थे, बट नानी को मैं मिलना था, एक वीडियो शूट करना था नानी के साथ में, बट आऊँगा, वापस आऊँगा मैं। तो विपुल भाई एक्सट्रीमली सॉरी, मिलेंगे वापस। और अभी मैं आया हूँ घर, तो अपना बैग वैग ले लेता हूँ पहले। तो ये बच्चा पार्टी है, देखो ये मेरे वीडियो देखता है, कौन से वीडियो देखे? सब देखे। क्या नाम है चैनल का? समित भाई। आज चर्चे चल रहे अपने नाम के। टापू तारा वाला अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत मस्त। देखो ये हमारे प्रवीण अंकल है, गौतम अंकल है, प्रवीण अंकल वीडियो देखते हैं। क्या डायलॉग है अपना? भाइयों के भाई, ऐसा यार लोगों के जुबान पे बैठ गया अपना डायलॉग। हाँ तो अभी जस्ट स्टेशन पे आया और ऐसी जीप मिल गई मेरे को, और ये जीप जाएगी किस्ता करें होटल की तरफ, फिर वहाँ से किसी को पकड़ना पड़ेगा, या बस मिल जाती है गवर्नमेंट की, वो सीधा जाएगी सिविल रोड, फिर वहाँ से अपनी ट्रेन मिलेगी बॉम्बे वाली सीधा घर पे।
ये कृष्णा कन्हैया होटल, यहाँ से मैं आया, यहाँ पे रुकाया, यहाँ पे आके खड़ा हूँ। अब इस तरफ से इस तरफ के लिए गाड़ी ढूंढनी है, वो बस गवर्नमेंट की आती है, उसका टाइमिंग होता है, टाइमिंग क्या मुझे पता नहीं है। यहाँ कोई कार मिल जाए तो कार के थ्रू चले जाऊँगा मैं। तो अभी इस धूप में यहाँ पे वेट करना है मेरे को। ये परिस्थिति है गांव की। अगर बताऊँ तो जब ये हाईवे नहीं बना था, इसके पहले बहुत परिस्थिति ख़राब थी गाड़ी के लिए, लोग चल के चले जाते थे। बट उस टाइम से लेके अगर इस टाइम की बात करूँ तो थोड़ा ठीक है, और आने वाले समय में और अच्छा हो सकता है, प्रयास चालू है गवर्नमेंट का। बट अभी फ़िलहाल अपने को तकलीफ हो रही है। यहाँ पर टाइमिंग दिखाया जा रहा है, अरावली एक्सप्रेस 15:32, मतलब 3:32, प्लेटफॉर्म नंबर 2। और स्टेशन का नाम भी चेंज हो गया, शिवरी रोड था, अब पिंदवाड़ा हो गया, क्योंकि पिंदवाड़ा तहसील भी है आई थिंक, वो हिसाब से चेंज हो गया है। शाम के 4 बजने आए ऑलमोस्ट, और जो गाड़ी का टाइमिंग है 3:32 का, गाड़ी लेट 1 घंटा। और गर्मी इतनी है कि पूछो मत, गांव में इतनी गर्मी नहीं थी, धूप गिरता था, पसीना नहीं छूटता था, बट यहाँ पे गर्मी इतनी है कि पूछो मत, प्यास तो लग ही रही है, पसीना भी दबा के छूट रहा है, मत पूछो यार कब आएगी गाड़ी, पता नहीं कब आएगी गाड़ी, कब गाड़ी में बैठूँगा बस। तो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं, कि आगे बनाने जैसा मैं रहूँगा नहीं, मेरी हालत ख़राब है फिलहाल। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखते रहिए, सुमित भाई को प्यार बढ़ाते रहिए अपना, तब तक के लिए गुड बाय। देखो किसी से जुगाड़ किया है और ये सीट मिली है, एक्स्ट्रा चार्ज पे किया, पैरेंटी भर के ये सीट मिल गई अपने को।